I'm ready. कहाँ चल दिए? कहाँ मतलब क्या? पार्टी में उन्हें बुलाया है ना? ओह, वो? हम कहीं नहीं जा रहे। तो फिर उन्हें क्यों बुलाया? यही तो मेरा प्लान था, बेबी। आप क्या जवाब दोगी? फोन उठाऊंगी तो जवाब दूंगी ना। तुम्हारा प्लान हमें समझ में नहीं आ रहा दीपू। इग्नोर, साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। हम उसे जितना इग्नोर करेंगे उसका ईगो उतना ही हर्ट होगा। उसके बाद जीत सिर्फ मेरी होगी। गॉट इट? इग्नोर। कम से कम जा तो सकते हैं ना। बर्थडे किसका है? तुम्हारा है ना, तो मुंह बंद रखो। गुड नाइट। Girls, did you see this? 20 missed calls. He must have waited whole night. मैं भी तो यही चाहती थी, babes. Fantastic. शायद वही होंगे। अब क्या कहोगी? Sorry कह दूंगी। You're bad. Yes. कोई भी तो नहीं है। Actually, you know, I. Sorry, दीप्ति जी. I'm very sorry. So sorry. Sorry? तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? गलती करने वाले को सॉरी बोलना चाहिए ना, क्यों रैन? हाँ, अपने गांव में लोग ऐसे ही करते हैं। क्यों, तुमने क्या गलती की थी? अरे आपने इतने प्यार से पार्टी में बुलाया और हम नहीं आए, ये गलत नहीं है? तुम नहीं आए? हाँ, अर्जेंटली लोकेशन की परमिशन के लिए जाना पड़ा। यही बात बताने के लिए कितनी बार फोन किया मगर आपने उठाया नहीं। आपको बहुत हर्ट हुआ होगा? नहीं नहीं। हाँ, झूठ मत बोलिए, सच्चाई छिपती नहीं है। आपका चेहरा सब कुछ बता रहा है ना प्रिया जी, है ना रैन? उबले आलू की तरह लग रहा है। नहीं नहीं। ओके, चिल चिल। कल मॉर्निंग 10 o'clock हम टूर पर निकल रहे हैं। ये लीजिए टिकट। ओके। आपकी फ्रेंड बहुत सेंसिटिव है क्या? हाँ, ऐसा ही है। तुझमें शर्म नाम की चीज़ ही है क्या? बार-बार उससे हार जाती है। दीपू, थिंक। ब्यूटीफुल फ्लावर्स टू अ ब्यूटीफुल गर्ल। थैंक यू। और आप भी हमारे साथ ट्रिप पर आ रही हैं ना? बीच में मैं कैसे आ सकती हूँ? बीच में से क्या मतलब? ये सब आप ही से तो शुरू हुआ है ना रैम्स? हाँ, ये ट्रिप सिर्फ आपके लिए है। वो ना आए तो कोई बात नहीं, पर आप ना आई तो हम ये ट्रिप कैंसिल कर दें। हमारे सामने रोने में शर्म आ रही थी क्या, जो बाथरूम में जाकर रोकर आई? मिस्टर चंदू, तुम्हारे साथ टूर पर चलने से पहले मेरी एक शर्त है। बोलिए ना। मेरी फ्रेंड साथ चलेगी तभी मैं चलूंगी, वरना ये टूर कैंसिल। इन्होंने तो ऑलरेडी मुझे टिकट दे दिया है। टुमारो मॉर्निंग 10 o'clock बन स्टेशन एंड अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। बाय बाय। कल रात को उसने हमें 2 घंटे वेट कराया। हाँ, तो तुमने उसे सॉरी क्यों कहा? वक्त वक्त की बात है, साइकोलॉजी पढ़कर उसके बाप को ही बेवकूफ बनाने चली थी। वो जानती नहीं हम वो बला है जो राख को जलाकर आग बना देते हैं। बुजुर्गों ने कहा कि अपने पैरों पर खड़े होके दिखलाओ, आए फिर ये जमाना तुम्हारा है। वाह, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं भी नहीं जानता यार, मेरे आदर्श बड़े भाई ने कहा था इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा। अब चल। तुम्हारी सीट यहाँ पर है बेब्स। मुझे नहीं बैठना, इन्हें डर लग रहा होगा कि कहीं वहाँ पर बैठने से इनसे चिपक ना जाऊं। कम हियर। हमारे बॉस मैन नहीं है, मैग्नेट है। लोग अपने आप खींच के चले जाते हैं। अच्छा सुनो बेब्स, बैग कैंसिल किया जो उसे दूर दूर रह रही हो? नो वे बेब्स, साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर ओपन किया है मैंने। अवॉइड। ट्रिप खत्म होने से पहले वो खुद आकर मुझसे चिपकेगा। हेलो सर, कहिए। चंदू, अपने काम का क्या हुआ? वैसे तो मैटर ट्रेन तक पहुंच चुका है, दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब ट्रेन पटरी पर आ गई क्या? जाकर टकराए भी सर। क्या ट्रेन? लड़की जल्दी से काम पूरा करके आ जाना, उस नर्सिंग को डाउट नहीं होना चाहिए। नर्सिंग राव तुम्हारे बारे में इंक्वायरी कर रहा है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, काम पूरा करके ही आऊंगा। शक्तिनाथ था। हाय भैया, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। अभी मैं फ्रेंड्स के साथ कंबाइंड स्टडी कर रही हूँ। बाय। आपके भाई थे क्या? तुम्हें इससे क्या मतलब? ये ना अपने भाई से बहुत डरती है। डरने के लिए वो वैसे करते क्या है? इसका भाई IPS। IPS मतलब पुलिस ऑफिसर है ना? मेरे भैया के नाम से पूरा हैदराबाद थर थर आता है। हाँ बोलिए पिताजी, यार बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ के लोग बहुत ही सफेद हैं, अपने यहाँ के गायों की तरह। इंडियन बकरा मिल गया। Okay.
पैराटा पैराटा मूव योर लाइक। क्या आइटम है? ओहो, इसकी गोद में बैठने में मजा आएगा। ओह सॉरी, मुझे लगा मेरी सीट है। 12 सी किधर है? आप भी इंडियन है क्या? इस प्रदेश में अपने देश वालों से मिलाने के लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। नांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा। ये सजा भगवान दुश्मन को भी ना दे, अब क्या कर सकता हूँ? अबे घटिया हरकत करेगा तो सजा मिलेगी ना। ए फ्यूज लाइट, ऊपर नहीं इधर देख। ए रैम्स, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या? बेचारे की आंखें नहीं है। कितनी दरिया दिल है बेचारी। किस स्कूल में पढ़ती हो? छोटी? छोटी नहीं, वो बड़ी है। 16 साल की है। नो, आई एम 20। मुझे यकीन नहीं है, 16 साल से एक दिन भी कम नहीं है। क्यों रे? अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? धोत्रे, राजू धोत्रे। धोत्रे? हाँ। क्या धोता है बे? मेरे पिताजी मराठी हैं, मधुकर धोत्रे। मेरी माँ तेलुगु है, कविता धोत्रे। और मेरा एक छोटा सा भाई भी है सर। और उस धोत्रे का नाम क्या है? पक्या धोत्रे। हाँ। धोत्रे परिवार यूरोप में आके सेटल हो गया है? नहीं सर, यूरोप घूमने आया हूँ। पर तुम तो अंधे हो ना? हाँ सर, आप लोग अपनी आँखों से देखते हैं, मैं अपने मन से देखता हूँ। भगवान ने मुझे आंखें तो नहीं दी हैं, लेकिन मन से सब कुछ देखने की शक्ति दी है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं धोत्रे जी। वैसे तुम यूरोप कैसे आए और किस लिए आए? खाना खा सकूं, इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक ले ली और उसमें मुझे कूपन मिला जिसमें यूरोप ट्रिप की टिकट मिली। जिसने कभी अपना पूरा गाँव नहीं घूमा था उसे यूरोप घूमने का मौका मिल रहा है, ये सोचकर मैं लोट लोट कर फूट फूट कर रोता रहा। तब गांव वालों ने कहा ये कोई इनाम नहीं है, ये तो उस भगवान की आज्ञा है। ऐसा कहकर उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे यूरोप जाने वाले प्लेन में बिठा दिया। फिक्र मत कीजिए धोत्रे जी। सीधी तरफ पीछे बैठो। धोत्रे जी का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। ये दोनों अब क्या कर रहे हैं? मम्मी। हेलो मॉम। हाँ मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? हाँ बस काम खत्म होते ही आ जाऊंगा। क्या कहा? शादी? तुम जिससे कहोगी उससे शादी कर लूंगा मॉम। कैसी चाहिए? कैसी चाहिए मतलब? ए धोत्रे, पीछे खसक कर बैठ जा, फुकनी के कान में लगा कर क्या बैठा है? अब प्रिया जी स्माइल प्लीज, ब्यूटीफुल स्माइल। मॉम मैं एक फोटो भेज रहा हूँ, उससे 50% भी होगी तो चलेगा। कैसी नहीं चाहिए मतलब? एक मिनट मॉम। दीप्ति जी एक मिनट, जरा ऐसे ही रहिए, हिलिए मत। मॉम एक और फोटो भेज रहा हूँ। हाँ ऐसी बंदरिया तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बॉय ए मेरी शादी हो रही है। कहना क्या चाहते हो? मैं बंदरिया लगती हूँ क्या? देखोगी तुम्हारा चेहरा बंदरिया से कितना मिलता है। और ये क्या प्रिया जी, सच कहने पर आपकी फ्रेंड ऐसे रिएक्ट क्यों करती है? आप जैसी खूबसूरत नहीं है इसलिए। प्रिया जी आप सचमुच इतने सुंदर हैं। क्या बे धोत्रे, मन की आंखों से दिखाई नहीं दिया क्या? हाँ हाँ दिखाई दिया। रैम्स प्लीज डोंट मेक फन ऑफ हिम। आइए धोत्रे जी, आइए आइए। अरे यार इसको तो सब दिखाई देता है। तो कंफर्म कर फिर देखना इस धोत्रे की धोती कैसे। फोटो खींच। धोती चल पिछड़ पिछड़। पता नहीं आ जाते कहाँ कहाँ से। अरे धोती पीछड़ बोला ना, क्या यार कबाब में हड्डी बोलना। अरे यार वापस कौन आ गया? वही है। अबे धोती के मैंने तेरे को बीच में आने से मना किया था ना। यहाँ बैठ जा वहाँ पे, चुपचाप बैठ। अरे बैठ जाना यहीं पे। ओके रेडी? हाँ लाइट इस तरफ ले। अरे क्या ऐसे नहीं यार। ट्राई कीजिए ना। बेकार। देखिए बहुत अच्छी है। अरे टाइम मत वेस्ट करो यार, लाइट डल हो जाएगी। हेलो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैं चाहता हूँ तुम ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहनो। आई वांट दिस कॉन्ट्रैक्ट। गो हेल विद योर कॉन्ट्रैक्ट। गेट लॉस्ट। अब बाकी की ड्रेस कहाँ है? ये पूरी है। ये कांटा है और ये छापा, इनके चक्कर पे मेरी लग रही है। आया है क्या खुश? वन लार्ज व्हिस्की। लगता है बहुत बढ़िया खाना मंगाया है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ये गोटी जैसी क्या है सर? गोटा है मतलब कोई फल है क्या? ठीक है ठीक है, खा लेता हूँ। क्यों नहीं चाहिए क्या? यहाँ दो दिनों तक खाने के लिए और कुछ नहीं मिलेगा। ए रैम्स तू ही खा ले। यस खा लेता हूँ। लेकिन यहाँ तो कहीं से चिकन की सुगंध आ रही है। ए धोती तेरा नसीब अच्छा है, कम से कम ये तो मिला। तुम खाओगे या मैं ही खा लूँ? ठीक है खा लेता हूँ। फिर वो गोटा कहाँ गया? चूहा खा गया। हे भगवान लगता है ये लोग मुझे भूखा रख कर मार डालेंगे। मुझे क्या पता था?
चाहिए होंगे तो मुझसे ही मांगेगी। शट अप चंदो, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यूरोप में सब चलता है, वैसे भी ये फालतू बैग ही तो गई। फालतू बैग? उस बैग में मेरी स्वर्गीय माँ का लॉकेट है, मेरी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी थी उसमें। मेरी नजर में उसकी क्या कीमत है तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। जल्दी से खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। चंदू, डिब्बे का दूध पीकर जब तुम लोगों में इतनी ताकत हो सकती है तो मैंने तो अपनी माँ का दूध पिया है, तो मुझ में कितनी ताकत होनी चाहिए। What? This is called Indian power धमाका। मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं। तुम्हारी माँ का लॉकेट है कि नहीं देख लो। छी, मैं एक लड़की को भी नहीं पटा सकता। अरे धोत्री जी, आप अभी तक यहाँ पर बैठे हैं? मैं तो अंधा हूँ जी, आप लोगों के बिना मैं कहाँ जा सकता हूँ। लेकिन हमें जिसमें जाना था ट्रेन तो चली गई। हाँ? चली गई? अब क्या करेंगे? ट्रेन के बिना नहीं जा सकते क्या? कैसे जाएंगे? सॉरी। किस बात की सॉरी? गुस्से में मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था, इसलिए। उसे गुस्से ने हमारे चंदू की बैंड बजा दी। अगर मेरी आंखें सही होती ना तो उन्हें एक एक को पकड़ कर मैं जमीन में गाड़ देता। शुक्र है तुम्हारी आंखें नहीं तो तुम्हें गाड़ देते। रैम्स, प्लीज धोत्रे जी को कुछ मत कहो। आजकल औरतें हम जैसे अच्छे लोगों पर भरोसा नहीं करती, ये धोत्रे जैसे लोगों पर भरोसा करती हैं। आपने कुछ कहा क्या? बंद कर। ओहो, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी रोकी है क्या? ओ, आप फंसा। तुम्हें कैसे पता चला इसका? मुझे तो स्मेल से पता चल गया जी। ओह, यू आर सो इंटेलिजेंट धोत्रे जी। थैंक यू प्रिया जी। प्रिया जी,
If you don't mind, मुझे जरा अर्जेंट बाथरूम जाना है, मेरी हेल्प करेंगे क्या? हाँ, चलो मैं लेकर चलता हूँ। इस मेहमान का ठीक से ख्याल रखना। फिकर मत करो। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं सर? तुझे जोर से लगी है ना, टॉयलेट में लेकर आया हूँ। ये बाथरूम है क्या सर? हाँ बाथरूम है, डोर भी लगा देता हूँ। लगता है ये कमीना मुझे मरवा कर रहेगा। धोत्रे बिना सुस्त किए चले आए। बाथरूम से पहले बस आ गई राम सर, इसीलिए जल्दी से भाग गया, वरना मर जाता। वहाँ करोगे क्या? नहीं राम सर, अब मैं कल ही करूँगा। अब आप चलिए प्रिया जी। ओह माय गॉड, अरे अरे चंदू खून। अरे कुछ नहीं, इट्स ओके। इतना खून बह रहा है, तुम कह रहे हो कुछ नहीं? दीप्ति जी, दीप्ति जी सुनिए। चंदू व्हाट हैपेंड? होल्ड दिस, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। आप बेकार में परेशान हो गई। मेरी वजह से हुआ तो परेशान नहीं होंगी क्या? देखो समझ गई, क्या ये फ्रेंडशिप ही है? थैंक्स। अरे वाह, लगता है काम जल्दी हो जाएगा। हसीना मान गई। आज अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कल हम सब चले जाएंगे। Really? Good. इस मौके पर मैं तुम सबको एक पार्टी देना चाहती हूँ। हम दोनों ने एक जो मिस कर दी, वैसी पार्टी क्या? नहीं वैसी नहीं, नाइट 8 o'clock, we'll meet at the party. ये as a friend ही है ना? Of course. अच्छा सुनिए, धोत्रे साहब के फैंस के लिए खुशखबर है, उनके आंखों की रोशनी वापस आने की दवा मिल गई। Really? Yes. Yeah. साला हीरो गिरी झाड़ रहा है। ये तो वाकई गुड न्यूज़ है, लेकिन कैसे? मैक्सिकन मिर्ची स्विट्जरलैंड का आयुर्वेद है। इसे आंखों में डालने से अंधों की आंखें भी लौट आती हैं और जिन्हें दिखता है उनकी चली जाती है। मेरी आंखों में मिर्ची डालेगा? हे राम, तुम्हें नींद काम में देरी किस लिए? आपकी इस मेहरबानी के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं वो सब नहीं कर सकता। लेकिन हमें चाहिए। धोत्रे जी बहुत जल्दी डर जाते हैं, वो ऐसे नहीं मानेंगे, पकड़ कर डालते हैं। कैसी है क्या? आइए दीप्ति, ओपनिंग करते हैं। देखिए चंदू जी, इतनी जल्दी आंखें ठीक करके इस बेरहम दुनिया को देखने का शौक मुझे नहीं है, मैं चलता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। बैठिए। इसे आंखों में डालने से क्या क्या होता है पता है? ऐसी जलन होती है कि मर जाने का मन करता है। आप जलन बर्दाश्त कर लेंगे तो आपकी आंखें वापस आ जाएंगी। पर मुझे नहीं चाहिए। प्लीज धोत्रे जी मान जाइए। अरे दीप्ति जी जरा इनका चश्मा तो निकालिए। राम से मिर्ची काट। भगवान मेरी रक्षा करना है। ये देखिए आंखें बाहर आ रही है। सुनिए ऐसा मत कीजिए प्लीज, मेरी आंखें चली जाएंगी। नहीं सर वापस आएंगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी आंखें चली जाएंगी, मैं अंधा नहीं हूँ। अरे बात धोत्रे जी, अभी जो कहा वो इन्हें फिर से बताइए। क्या बताऊँ सर, मैं अंधा बिल्कुल नहीं हूँ, अपने पिताजी को दिए हुए वचन के लिए मैंने ऐसा किया है, मुझे अच्छी तरह से दिखाई देता है। भाई कहो तो मैं भी मार लूँ। मर गया। क्या रे धोत्रे, मन की आंखों से देखता है? मतलब उस दिन ड्रेस चेंज करते समय मैंने देखा था। देखा था लेकिन पूरी तरह से नहीं देखा था। नहीं देखा था। तो रुक जाओ चंदू। स्विट्जरलैंड में अगर दोबारा नजर आए ना तो ये मिर्चियाँ सच में आंखों में डाल दूंगी। दीप्ति जी इतनी क्लास दिखने वाली आप, बकवास बातें करती हैं। चाहे कितने भी फॉरेन में पढ़ाई क्यों ना की हो, वक्त आने पर औकात पर आना ही पड़ता है। I like that. दीपू इतना परेशान किस लिए हो रही हो? किस लिए? उस धोखेबाज से मैंने सच्चे दिल से प्यार किया इसलिए। वो भी तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता है दीपू, सच्चाई जानने के बाद भी तुम ऐसा कह रही हो। दरअसल तूने जिस बियर में लिक्विड मिलाया था वो उसने पिया ही नहीं, मैंने खुद देखा। अरे सुन, मेरे मुंह से सच उगलवाने के लिए दीप्ति ने मेरे ग्लास में लिक्विड मिलाया, मैंने देखा।
लेकिन मैंने वो नहीं पिया। तो फिर सच बताना जरूरी था क्या? उसने जानबूझकर तुम्हें सारी सच्चाई बताई। अगर तुम्हें धोखा देना ही होता तो वो तुम्हें सच्चाई कभी नहीं बताता दीपू। एक लड़की का इस्तेमाल करके अपने मकसद को पूरा करना मुझे बिल्कुल गंवारा नहीं। वो तुमसे यकीनन सच्चा प्यार करता है, इसलिए तुम्हें सारी सच्चाई बताई। अब उससे क्या कहोगे? जो सच है। अक्सर गलती करने वाले सर झुकाया करते हैं, प्यार करने वाले नहीं। चंदू, तुमने ड्रामा करके अपने दिल की बात तो मुझे बता दी, लेकिन मेरे दिल में क्या है ये नहीं जानना चाहोगे?